बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सदा सलामत रहो, आबाद रहो, खुश रहो। असी आज बनाने लगे हैं कढ़ी पकौड़ा। ये लस्सी डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी वो हल्दी डाली, ये धनिया पीसा हुआ, आ जी लाल मिर्च, आ लाल मिर्च ठीक है, चल जा पीस लिया। हमारा बेसन है, वो कढ़ी बन रही है, दिखा। ये कढ़ी बन रही है, ये हम पकौड़ों का सामान तैयार कर रहे हैं। ये जी बेसन है, हमने छाननी से छान लिया है। तो ये हैं आलू और प्याज, ये इसमें डाल रहे हैं। चंगी तरह तो होती है। ये जी पालक है, क्योंकि पालक के साथ ना बहुत टेस्टी और अच्छे पकौड़े बनते ने। यह जी सबज मिर्च है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम जी कढ़ी बना रहे हैं। ये जो है हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मतलब बिल्कुल रेडी भी नहीं, मतलब रेडी हो रही है। ये बेसन, आलू, प्याज, पालक वगैरह ये सब कुछ हमने कटिंग कर ली है। ये जी लाल मिर्चा, ये मसाला वगैरह रेडी हो रहा है। जब तक के लिए रेडी हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये हल्दी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार वीडियो है, हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। ये जवैन है कि पकौड़ियों में अच्छी रहती, हजमा हो जाता है। ये साबत धनियों को जरा सा कुट के ना पिया तो वो बेच पा रहे हैं। देखिए जी हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये पकौड़े हम इसमें डाल रहे हैं, हमने पहले इसमें डाले थे। ये देखें जी, हमने नमक मिर्च वगैरह चेक की है, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी टेस्टी हैं। देखो जी हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये हम पकौड़े डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह। जो चीज नहीं बनी होंगी तो खत्म हो जानी। ये जी थोड़ी जी पतली इस रखी है कि पकौड़े पाया ना हो, तो पकौड़े ने जो कढ़ी ने चूसना है ना तो कढ़ी ने गाढ़ी हो जाना आपे। आ जी धनिया, आंदे ना उन्हें एक ही तो चैट खोली थी पागल। नेट बंद है।
खुदावंद करीम थानू सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, तंदुरुस्ती वाली बिल्कुल जिंदगी देवे। जिहड़े कोई बीमार ने उन्हां नूं अल्लाह दी ज़ात शफा देवे। कोई हस्पताले च, कोई गारे च, कोई देश च, परदेस च, अल्लाह दी ज़ात सब नूं अपनी हिफ्ज़ अमाने च रखे। उन्हां नूं तंदुरुस्ती वाली जिंदगी देवे, खुशी खुशहाल रखे। जिहड़े बे औलाद ने अल्लाह दी ज़ात उन्हां नूं औलाद तों नवाजे। जिहड़े बे घरों घर ने अल्लाह दी ज़ात उन्हां नूं अपना घर मकाम देवे। जिहड़ियां बच्चियां दे रिश्ते नहीं हुंदे, अल्लाह दी ज़ात उन्हां दे नेक रिश्ते बनावे। मेरी तो सदा यही दुआ है, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। माँ मातावां, बजुर्ग आ, बेवावां, बीमार हाँ, तंदुरुस्त नहीं मैं जरा भी। इस तो मैं एक जगह पर बह के वीडियो बनाउनी आ कि मैं तुर फिर नहीं सकती। मेरी थोड़े के यही दरखास्त है कि तुसी मेरे चैनल नूं लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, तो मेरी वीडियो वेख्या करो। थानू अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद कर दियो खुदा का वास्ता करके। तुसी भरिया नूं भरदे जे, जिहड़े अगे इन्ने चैनल जिन्हां दे लखां करोड़ां हो गए, उन्हां ले दौड़दे जे। किसी गरीब की भी मदद कर दियो, किसी गरीब नूं लाइक शेयर कर दियो। थानू अपने पाक जात का वास्ता है, तो मेरी दुआ है थोड़े अगे मेहनत वा, दरखास्त आ। अल्लाह तुहानू सदा सलामत रखे, खुशियां नाल तुहाडे आंगन भरे रहन, बच्चे तुहाडियां इज्जत करन, कुशांता करन। अल्लाह तुहानू इज्जत दा, औलाद दा सुख देवे। ते मैनूं जरूर लाइक करो, शेयर करो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी आ। ते अज दे दिन वास्ते इतना ही काफ़ी है। कल नूं मिलांगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।